नमस्ते, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। हाइट बढ़ाने के बारे में अभी सीजन चल रहा है, लोग पूछते हैं यही सीजन में क्यों हाइट बढ़ाना है। लोग पूछते हैं आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई है जो जिससे हाइट बढ़ती है। और भी प्रश्न रहते हैं कि जब ग्रोथ प्लेट बन गई है तो उसके बाद में हाइट कैसे बढ़ेगी। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि अभी मेरी उम्र 20 साल हो रही है, अभी हाइट बढ़ेगी क्या। तो सारे प्रश्न के उत्तर हम ये वीडियो में देंगे। नमस्कार। प्रथमतः आयुर्वेद में सारे धातुओं पे जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मीन्स बोन्स, मज्जा मीन्स ब्रेन टिश्यू और शुक्र धातु के ऊपर कार्य करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ हैं और ये कई सालों से इस्तेमाल की जाती है। तो जब प्रश्न आता है कि हमें हमारी हाइट बढ़ानी है, तो ऐसे समय में हमें सोचना पड़ता है कि वो व्यक्ति की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। एकदम छोटे बौने लोग हैं जिनकी हाइट 3 फीट तक है, उनकी हाइट कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को आयुर्वेद में अति ह्रस्व बोला है, जो निंदित है, उनको चिकित्सा नहीं करनी है। लेकिन जिनकी माता पिता की हाइट अच्छी है, नॉर्मल है, और जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसको रीजन रहते हैं। किसी को माल न्यूट्रिशन रहता है, किसी को हार्मोनल डिस्टरबेंस रहता है, किसी को कोई बुखार जैसा बीमारी आ गया है और उसकी वजह से अस्थि पोषण रुक रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं। कुछ व्यक्तियों को, छोटे बच्चों को कृमि रहते हैं, मीठा ज़्यादा खाने की वजह से शरीर का पोषण नहीं होता और उसकी वजह से हाइट रुक जाती है। कुछ एक्सरसाइज कभी नहीं करते, उसकी वजह से हाइट रुक जाती है। कुछ वात विकार होते हैं, उसकी वजह से बोन में डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कुछ व्यक्तियों को हाइट के इश्यूज आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे उसमें रीजंस हैं। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो हम वो रीजन ढूंढते हैं, या आपसे हिस्ट्री लेके आपको रीजन पूछेंगे, वो रीजन निकाल के उसकी चिकित्सा बताएंगे। जैसे कि अगर किसी को भूख नहीं लगती है, छोटे बच्चे रहते हैं या 11 साल की उम्र के लोग रहते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते, कुछ लड़कियां रहती है उनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते समय उनको हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं और खाना नहीं खाया जाता, विटामिन या और कैल्शियम की डिफिशियंसी आ जाती है, ऐसे कई सारे हेतु कारण ढूंढ के हम उसकी चिकित्सा करेंगे। वो चिकित्सा होने के बाद 1 महीने तक हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद अगर हाइट बढ़ती है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है, तो वही चिकित्सा हम 3 महीना तक देते हैं, जिसमें ये विसर्ग काल में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 5 इंच 2 2 इंच तक हाइट बढ़ती है। अब ये हो गया रीजन वाले व्यक्ति में। कुछ व्यक्तियों को रीजन ही नहीं रहती, जेनेटिकली हाइट कम रहती है, ऐसे व्यक्ति को व्यायाम ज़्यादा करना है। दूध जैसे पदार्थ या अड़ू जो है, हम आयुर्वेद में चंद्रशूल कहा जाता है, इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ इस्ट्रोजन, वो दूध के साथ निगलने को देते हैं। अड़ू चबाना नहीं है, जिसको सीधा निगल लेना है, क्योंकि वो पक्वाशय में जाके हमारे वायु के ऊपर, जहाँ पे अस्थि की उत्पत्ति रहती है ग्रहणी में, वहाँ पे काम होगा, और उसके बाद में शरीर को पोषण मिलते जाएगा, इस्ट्रोजन की डिफिशियंसी भी वहाँ पे नेचुरली कम होगी, और उसके हिसाब से वो हाइट बढ़ने में फायदा होगा। जो 21 साल के रहते हैं, जिनकी बोन्स की ग्रोथ प्लेट बन चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को भी इस चिकित्सा का फायदा होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम अभ्यंग बोलते हैं कि शरीर को पूरी तरह से अभ्यंग करना है डेली। कुछ आयुर्वेदिक नस्य रहते हैं, जैसे पंचेंद्रिय वर्धन तेल जैसा नस्य रहता है, सहचर तेल का नस्य रहता है, और कुछ औषधि रहती है। अब ग्रोथ प्लेट बनने के बाद भी इसकी हाइट कैसे बढ़ाई जाए, ऐसा प्रश्न कोई पूछता है, तो हमारे शरीर में जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उनमें डिस्क रहती है, वो डिस्क की जो साइज थिकनेस है वो 11 mm से 13 mm तक रहती है, और वो जो मांस पोषण की और अस्थि पोषण की दवाई है अगर हम इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्क है 1-1 या 2-2 mm से बढ़ती है। अब स्ट्रेंथ बनेगी, डिस्क बनेगी, तो 33 जो हमारे वर्टिब्रे है उसमें से 25 डिस्क या 24 डिस्क तक हमें काम करने को मिलता है, और उसकी वजह से 2.5-3 सेंटीमीटर तक हमें हाइट में फायदा मिलता है। अब कुछ ऐसे पुलिस भर्ती में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनको 1 सेंटीमीटर भी मायने रहती है। मेरे पास फिल्म में काम करने वाले लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरी हीरोइन की हाइट मेरे से ज़्यादा है, मुझे थोड़ी बढ़ानी है। तो 2-2 सेंटीमीटर भी जिनको मायने रखती है, तो ये चिकित्सा जो है आयुर्वेद की वो काम में आती है। अब हम तो पुणे में है, सारे लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तो
तो आप अपने नजदीक की कोई भी आयुर्वेद के वैद्य के पास, जिनके पास डिग्री हो, ऐसे वैद्य के पास जाके आयुर्वेद की चिकित्सा ले सकते हो। नहीं तो होगा क्या, जिनके पास डिग्री नहीं है ऐसे लोगों के साथ चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। जिनके पास डिग्री हो आप खुद वहाँ पे जाके परीक्षण करें, नाड़ी दिखाएं, उसके बाद में ही आयुर्वेद की चिकित्सा लें, ना कि कहीं पे भी आपको सोशल मीडिया पे ये ऐसा ऐसा फॉर्मूला है और आपको चिकित्सा लेनी होगी ऐसा किसी ने बताया। तो ध्यान रखिएगा, हाइट बढ़ाने के लिए इतने सारे हमें पैथोलॉजिस्ट का हमें सोचना पड़ता है, और जिनका ग्रोथ हार्मोन कम ही होता है वो कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके वो ग्रोथ हार्मोन का करेक्शन करना चाहिए। धन्यवाद।